आपका स्वागत है चुंबन देव। ये देख लो पाजी, इनके घर में इतनी ज्यादा गरीबी आ गई है, गंदगी भी नहीं आती इनके घर में। फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं। क्या करूं मैं, आप क्यों हंस रहे हो? ये लो। एक तो बकरी। हाँ, खाया पिया कुछ का नहीं? तुम क्या खाओगे? बुआ है, एक गिद्ध बन के कहाँ उड़ती जा रही है? वो गिद्ध नहीं, सोन चिड़िया का है। ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। ये क्या, तांबे का कलश? नहीं, ये सोने का है बिट्टू, इसे मैं जंगल से लेकर आई हूँ। ये बुआ झूठ मत बोल, कहीं ये हमारा खानदानी कलश तो नहीं है? वही वाला। हो खानदानी, लाओ जी, जो हमेशा दान मांग मांग कर सारी उम्र खाते हो उनका क्या खानदान होता है? हमारे यहाँ तो भूख दान और भीग दान तक नहीं है। बिट्टू, ये मैं जंगली कबीले से चुरा कर लाई हूँ। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तेरे को पता बोलो कितने भयंकर होते, फिल्मों में देखा नहीं कैसे बकरा टांग के ऊपर से नीचे आग जला के ऐसे से घुमाते? तेरे को जब ऐसे से घुमाएंगे ना, एक तो गर्मी लगेगी, ऊपर से चक्कर आएंगे, तब तेरे को पता चलेगा। पर मैं भाला लगा के ना तेरा ऐसे झंडा बनाया ना, तब तेरे को समझ में आएगा। ओए बिट्टू, अब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बचा ले। ओए ओए राजू, इधर आ, इधर आ। हाँ जी। ओए इधर आ बदतमीज, क्या कर रहा है? नोट गिन रहा था, मुझे लगा एक काम है लेकिन पूरे निकले। दिखाई नहीं दे रहा, सफाई कर रहा हूँ मैं। पाई देखो, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, फिर भी पूछ के टाइम वेस्ट करते हैं। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? मोटरसाइकिल है, सस्ता मिल रहा था, मैंने कहा ले चलते हैं, मिला है कहीं का। पाजी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, फिर भी पूछ कर टाइम वेस्ट करते हैं। और तू, तेरे को किसने कहा झाड़ू मारने के लिए? बे तेरे को महीने में एक बार मारा कर घिस जाता है। अभी हमारे घर में एक ही चीज होती है, सफाई, और आप उसके लिए भी मना कर रहे हो? ओए चुप करो राजू, इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, सारा देश टीवी पे सुन रहा है, सिर्फ हमें नहीं पता चलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है धीरे धीरे सुन, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों पे पेंट तो होता नहीं, कान कहाँ से हो देंगे? चुप करो, अभी तुम दोनों बोले ना तो ये कलश मार के मैंने तेरा सर फोड़ देना है। वो तेरी। ओए सुन राजू। हाँ जी। ऐसा कर, तू ना प्रा बनकर जंगली बन जा, इधर उधर जंगली बन के घूमता फिरेगा ना तो शायद वो अपना समझ कर मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं जंगली कैसे बन सकता हूँ, मेरे को तो जंगलियों की भाषा भी नहीं आती। भाषा नहीं आती, लगता तो जंगली है ना मेरी बात। जैसे हम लोगों को जंगलियों की भाषा समझ नहीं आती, उन लोगों को हम जंगली समझते हैं, वैसे तो कुछ भी बोलेगा उनको तेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, उनको हम भी जंगली लगेंगे। yes, कि नहीं? चलो भगवान भला करे, इनके घर में रहने से अच्छा है बंदा जंगल में रह ले, वहां बचने के चांसेस हैं, लेकिन इनके घर में पक्का है जूते पड़ने पड़ने। चलो बुआ। ए बदतमीज लोग। इनका तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, ये तो और भड़क रहे।
मैंने फिल्मों में देखा है इनको कोई अजीब सी चीज दिखाओ ना तो डर जाते हैं। माफ करना भाई साहब, डरे नहीं, ये हमारा स्ट्रेचिंग का टाइम था। वो क्या है, नंगे बंदर घूमना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बॉडी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, वो क्या है, टेलीफोन है, मेरे पास लेटेस्ट मोबाइल है, ये देखिए 12 मेगापिक्सल कैमरा। वेट वेट, आई विल अपडेट माय प्रोफाइल इन मुंबई तिथि, हैविंग फन, हैविंग फन। माफ करना भाई साहब जी, हमारा यहाँ पर आने का कोई प्रलोचन है? प्रलोचन नहीं, प्रयोजन होता भाई साहब। भाई जिनकी शादी हुई हो वहां प्रलोचन भी होता है, त्रलोचन भी होता है। और वैसे भी तुम्हारी हिंदी सुधारने की जरूरत है मुझे डार्लिंग। बाय द वे, इनका कबीला कितना अच्छा है। और कबीले का सरदार देखो कितना सूटड बूटड और डैशिंग। ओ तेरी, ओ कम ऑन डार्लिंग, अब क्या बोल रहे हो, कम टू द पॉइंट प्लीज। जिंगा लाला हुर हुर, जिंगा लाला। बात ऐसे है भाई साहब जी कि हमारा खानदानी कलश कोई औरत यहाँ पे चुरा के लाई है। औरत तो इधर होती ही नहीं है, हमारे घर में नहीं होती है, इधर सिर्फ आदमी होते हैं। भाई कमाल है, शहर इतने एडवांस हो गए कि यहाँ मैन टू मैन बच्चे हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या कि जब मेरे परदादा जी ने वजन तोलने वाली मशीन में सिक्का डाला तो मेरे दादाजी निकले, मेरे दादाजी को पार्सल मिला उसमें से मेरे पिताजी निकले, तो इस तरफ से निकल निकल रहे हैं बस। भाई वो तो ठीक है, तुम कहाँ से निकले? आप जब इधर से आए तो मैं इधर से निकला, मतलब। भाई कमाल है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। खैर, और वैसे भी हमारा कलश बतावर यंत्र ये बता रहा है कि हमारा कलश यहीं कहीं है। और हमारे कबीले का ये रूल है, जिसके घर से वो हमारा कलश मिलता है उसी के घर के सदस्य को हम कुलगुरु बनाते हैं। अच्छा, जिंगा लाला हुर, जिंगा लाला हुर, जिंगा लाला हुर, इनका गुरु मैं। वैसे तो मैं यहाँ पे बड़ा बिजी हूँ, लेकिन अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपका कुलगुरु बनने को तैयार हूँ। वेरी गुड, जिंगा लाला हुर हुर, जिंगा लाला हुर हुर। स्माइल प्लीज। है जी, इसको मैं ट्विटर अकाउंट पे डालूंगा। हाँ, अब विदाउट स्माइल जैसे पासपोर्ट पे फोटो होती है, क्योंकि इस पे फूल माला चढ़ेगी। तलवार को उबाल दे, इसको टेटनस नहीं होनी चाहिए। जिंगा लाला हुर हुर हुर, क्या कर रहे हैं ये लोग, बोल रहे थे मेरे को, तुम लोगों ने बोला मुझे गुरु बनाओगे, ये क्या बोल रहे हैं आप। भाई शुक्र करो अभी गर्मियां चल रही हैं इसलिए तुम्हें खुल गुरु बनाएंगे, अगर सर्दियां होती तो मैं ठुल गुरु बनाते। ठुल गुरु क्या होता है? ठुल गुरु जब वजनदार चीज सर पे इधर इधर मारी जाती है उधर उधर ठुल्लू उग जाते हैं, ठुल गुरु है? हाँ। और वैधानिक चेतावनी, 7 के बाद कुछ मत खाना क्योंकि खाली पेट तुम्हें ठुल गुरु बनाया जाएगा। ये आपने मेरी बलि देने की, मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं आप? भाई बलि भी चढ़ानी है लेकिन उससे पहले क्रियाक्रम भी तो करना है। उससे पहले तुम्हें दूध और गुलाब जल में नहलाएंगे। नहीं नहीं, नहाता नहीं मैं, इसे मेरा मतलब हमारे पेरेंट्स ने मना किया है, मेरे मम्मी लाइक नहीं करते। मैं ना, मैं साल में एक ही बार नहाता हूँ, होली वाले दिन, होली निकल गई, अब मेरा नहाना पॉसिबल नहीं है, मेरे काम करो आप, मुझे अगले साल मार लेना। मैं तो इस साल हम क्या कद्दू काटे? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको रोज नहाने वाला बंदा देता हूँ, बड़ा अच्छा खुलगुरु बनेगा आपका। राजू, हाँ जी राजू, हम भी ऑलमोस्ट जंगली है। हाँ। तो समझ आ रहा है, मैं भी बोलूं। भाई जी किधरों आए हो तुसी? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, दरवाजा खुला देखा मुंह चुके कर गए प्रवेश। भाई काका तेरी तो पंजाबी बड़ी चंगी है, शक्ल तो मुंह के सैर दा लग रहे हैं। बाय द वे आई एम फ्रॉम लुधियाना दे जंगला चो, तुसी कित्थों? आपको पंजाबी भी आती है? किले विड़ विच किले बतैया, चेन्नई जाते हैं, हमको तो कन्नड़ भी आते हैं। सावी ये क्या हो रहा है? मैं तेरे को इधर बात बताता हूँ, ये दो चीजें हैं, एक दुख वाली खबर है, एक खुशी वाली खबर है, पहले कौन सी बताऊँ? दुख वाली बता दो, खुशी वाली खबर सुन के हार्ट अटैक ना आ जाए। देखो दुख वाली खबर ये है कि देखो
आज से मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम लोगों को छोड़ के जंगलों में जा रहा हूँ। अब दुख वाली बता दो। दुख वाली जी, दुख वाली ये है कि इन लोगों ने मुझे अपना कुलगुरु चुन लिया है। अच्छा, सोना चांदी तो मेरे पास बहुत होगा, लेकिन क्या है कि तुम लोगों से दूर रहना पड़ेगा। सोना चांदी बाकी बहुत ज्यादा होगा। सोना चांदी कुलगुरु? हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मालिक को मत ले जाइए, मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, आप मुझे ले जाइए। बात तो वही है, दूरियां तो तब भी बढ़ेंगी। नहीं नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना रह लेंगे। हाँ, तू राजू, तेरे को आज तक मैंने कभी कोई चीज नहीं दी, तू भी क्या याद करेगा, याद तेरे लिए कुर्बानी थी। क्या साहब जी, अब आप रुलाओगे क्या? मैं कुलगुरु बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तैयार हूँ जी। मुकरना मत अब। नहीं नहीं साहब जी, मैं क्यों मुकरूंगा। हाँ। और मैं हर महीने आपके लिए ताजा फल और सब्जी जंगल से लेकर आया करूंगा। हाँ। अले, लेकिन कुलगुरु बनने के बाद तुम थप दिया कैसे लाओगे? क्यों, कुलगुरु बनने के बाद हाथ कट जाते हैं? भाई हाथ तो नहीं कटेंगे, लेकिन जब गर्दन कटेगी उल्लू, कहां से बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। भाई हम भी प्रोग्राम देखते हैं जंगल वाला। साहब जी ये क्या, मतलब थोड़ा सा ज्यादा दर्द नहीं होगी? साहब जी ये हरकत यहाँ नहीं, यहाँ लगेगी। साहब जी आप इनका कलश वापस कर दो और मेरी जान बचा दो। पीछे रख उसको। नहीं नहीं नहीं, हमारे जंगल के कायदे कानून बहुत सख्त है, बबूल की लकड़ी के जैसे। हम कलश वापस नहीं लेके जाते, जिस घर में कलश जाता है खुलगुलू वहीं से निकलता है। आप लीला की शादी मेरे साथ करवा दीजिए, मैं लीला को सारी जिंदगी खुश रखूंगा। ऐसी लीला होगी, तेरी फिक्र आती है, बोल रहा हूँ लड़की को देख पहले। जान तो बचेगी और ऊपर से मेरी शादी भी हो जाएगी। आपने तो मेरे को हरिद्वार भेज दिया था चीते जी। मेरे को रिश्ता मंजूर है, शादी कबूल है। रजनीकांत जी के 21 मैसेज जब मैं फॉरवर्ड करूंगी तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। देख बिट्टू, देख आज मेरी शादी हो रही है। हुर्र तेरा दिमाग खराब है, तेरी शादी नहीं तय हुई, राजू की हुई। राजू की क्या? कार की मालकिन को चीनी नहीं मिल रही और नौकर की थाली में रस मलाई परोसी जा रही है। तेरे को पूरी बात नहीं पता, मत बोल, मैं कह रहा हूँ मत बोल। मुझे नहीं तेरी पूरी बात सुननी, तेरी पूरी बात सुनते सुनते कहीं मैं ही पूरी ना हो जाऊँ। एक्सक्यूज मी, वैसे ये आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो मेरा बीच में बोलना बनता नहीं है, लेकिन बहुत टाइम में मेरी लाइन नहीं आई है तो बीच में बोल देती हूँ। वैसे भी इनकी शादी होने वाली है तो टेंट वाले और हलवाई आ ले तो लगे हाथ इनकी भी शादी जुगनू के साथ चल देती है। जुगनू लाला पुश पुश, भाई जुगनू के साथ की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तेरा दिमाग खराब है, जंगली लोग है, उनका जुगनू भी जंगली होगा, पागल है तू? तो क्या हुआ, हाँ, कोई नॉर्मल आदमी मुझसे शादी करता नहीं है। जिस हिसाब से जंगल काट रहे हैं ये लोग भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, मुझे शादी करने दो, बुला लो जुगनू को। ए, तेरा दिमाग खराब है, कल को तेरे बच्चे भाले लेके सूरों के पीछे भागते रहेंगे। बोलना मत, मेरे कजन है वो। मैं नहीं बोलूंगी, शादी के बाद मैं तुझसे बात भी नहीं करनी। सुनिए मेरी तरफ से, हाँ समझिए ससुर जी। भाई जंगल लाला हुर 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 हुर। भाई लीला तो हमारे साथ है। हाँ जी। जुगनू को भी बुला लेंगे। हाँ। लीला कम हियर प्लीज। लीला कम हियर। लीला को बुलाओ भाई। जंगल लाला हुर हुर 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 जंगल लाला हुर जंगल लाला हुर 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 हुर। ये क्या है? ये लीला है जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। अंकल आप मेंटली अपसेट है, एक इंसान की शादी हथनी के साथ कैसे हो सकती है? और ये क्या बताएगा, इसने तो खुद हथनी से कर रखी है। तो इन्होंने मुझे हथनी कहा।
मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली मैं इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। देखिए वो लेकिन आपके साथ एडजस्ट कर पाएगी, वो बहुत एकदम दीदी दादी लड़की है, उसे दिल दो वक्त का खाना चाहिए वरना वो किसी को भी अपने पैरों के नीचे कुचल डालती है। मतलब हमारे घर में तो हम लोग आधे घंटे बाद कुचले जाएंगे, तो मिलते कुछ नहीं। नहीं नहीं ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, मैंने नहीं शादी करनी। झिंगा लाला खबरदार, जो तुमने रिश्ते से मना किया मेरी लीला का दिल टूट जाएगा। तो अगर शादी कर ली तो ये पूरे का पूरा नहीं टूट जाएगा। एक तो आप लोग बात बात में डराते बड़ा उगड़ उगड़ उगड़, ये गार्गल्स क्यों करते इतने? ओए पिट्टू, राजू तू चुप कर, मुझे इस जंगली से निपटने दे। ओए तूने क्या हमें ऐरा गैरा नत्थू खैरा समझ रखा है कि हम किसी से भी शादी कर लेंगे? माना कि इसकी शक्ल चिंपैंजी से मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हथनी से इसकी शादी करा दें। माफ करना देवी, आप तो ऐसे भड़क रही हैं जैसे आपका रिश्ता मैं लीला से करवा रहा हूँ, आपका टांका तो जुगनू से। अरे जैसे तेरी लीला है ना हथनी, वैसे ही तेरा जुगनू होगा दरियाई कोड़ा। आप तो हाथापाई पे आ गई देवी, लेकिन मैं और पे हाथ नहीं उठाता। ये तो और भी अच्छा है, ओ इधर मुंह कर। मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता लेकिन भाला बड़ी श्रद्धा से मारता हूँ। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, एक तो आपने मेरे पति पे हाथ उठाया, उठाया ना, ऊपर से जुगनू को दरियाई घोड़ा कहा ना। हाँ। मॉम डैड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? मॉम को देखो, गैस का सिलेंडर बनके घूम रही है, और डैड आप चूल्हा बनकर घूम रहे हैं। मेरे करियर का क्या होता, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। जिंगल लाला हुर हुर, ओ भाई जुगनू बेटे तुम बिना बताए कैसे आ गए? हाय रब्बा, जुगनू बिट्टू, ये देख जंगल में मंगल। ससुर जी सुनिए, मैं आपके आगे चोली पिलाती हूँ, प्लीज जुगनू से मेरी शादी करा दीजिए, अभी तक आपने मेरा गुस्सा देखा है, प्यार नहीं देखा। बुआ माफ करना देवी, ससुर की फराक खींची ऐसे नहीं मानेगा। माफ करना देवी, जिस तरह का बेहवा आप हमारे साथ कर रहे हैं ऐसे तो युद्ध बनता है, लेकिन मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता इसलिए सी यू लेटर कह के जा रहे हैं। नहीं ऐसा क्या कि आप नहीं जा सकते? सुनिए ससुर जी, जा तो जुगनू से मेरी शादी करा दीजिए, वरना आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लाश से गुजरना पड़ेगा, लाश से गुजरना पड़ेगा, लाश से गुजरना पड़ेगा। ए मुंह दिखा रहे, डर लग रहा है मेरे को भाई, इन्होंने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। खैर साथियों, जुगनू बेटे तैयार हो जाओ। हाय बिट्टू काम बन गया, इनकी लाश पे से ही गुजरेंगे। पर आपको बताया, डॉन के अलावा एक और आदमी है जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन वो किसी से पकड़ा नहीं जा रहा। वो तेरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, नाम है नटवरलाल। ओहो हो, और वो नटवरलाल आज यहाँ पे हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजा नटवरलाल। छिपने की जगह? हाँ। पर आप क्यों छिप रहे हैं? आप तो किससे डरते नहीं? मैं किससे डर रहा हूं? आप डर किससे रहे हैं? अरे वही तो मैं बता रहा हूं, मैं किससे डर रहा हूं? किससे? क्या बात कर रहे हैं भाई, आप तो किस करने में सबके बाप है, आप क्यों डरने लगे किससे? अरे मैं तो बाप हूं लेकिन किस करने में दादी मां मेरे पीछे लगी हुई है। अब तो
मेरे घर में स्वागत है चुंबन देव। आओ, आओ, मैं आपको भोग लगाती हूँ। दादी जी, ये जी क्या है ना कि मैं ये जो किसिंग विसिंग करता हूँ ना, फिल्मों में करता हूँ, और वो जो डायरेक्टर कहते हैं स्टार्ट साउंड एक्शन तभी करता हूँ मैं। अच्छा, डायरेक्टर कहता है तो करता है, दादी कहती है तो नहीं करता है? क्यों, तेरा डायरेक्टर दादी से बड़ा हो गया? अच्छा एक और बात है, मैं फ्री में करता नहीं हूँ, पैसों के लिए करता हूँ मैं। छी, जब देखो पैसा पैसा क्या हो गया है लोगों को। अरे मैं तो कहती हूँ कभी कभी जन सेवा भी कर लिया कर, इस दुखियारी दादी का भला कर, फिर देख तुझे ऐसा आनंद प्राप्त होगा, ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि मर्डर वाली मलिका को भी भूल जाएगा। यार कपिल क्या जाती हो रही है यार, मैं प्रमोशन के लिए आया हूं यहां पे। अच्छा मैं पप्पी ले लूंगी तो तेरा डिमोशन हो जाएगा? 20 20 20 सीज फायर सीज फायर। मैं क्या कह रही थी, टेक्निकल एडवाइस, कम हियर। एक्चुअली क्या है ना, टेक्निकल एडवाइस देना मुझे, मैं ना 2 मिनट पप्पी लेती हूं ना, 2 मिनट आधे घंटे तक सांस उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल होती रहती है, और ये आधे आधे घंटे तक लगा रहता है तो सांस कब लेता है? दादी जी ये एक हुनर है। हाँ? मैं मौका देके सांस लेता हूँ। अच्छा यही तो फर्क है, तू मौका देख के सांस लेता है, मैं मौका देख के पप्पी लेती हूँ। जब उनके साथ फिल्म में हूं मैमा है तब तुझे किसी क्यों करेंगे वो? हूं मैमा नहीं, हूं मैमा। अच्छा इधर बड़ी दादी मम्मा खड़ी है, उसको नो पप्पी, हूं मम्मा को बहुत सारी पप्पी। देख मैं क्या कह रही हूं। मैं तुझसे अच्छे से जबरदस्ती कर रही हूं इसलिए मान जा, वरना मेरी रिक्वेस्ट है ना बहुत खराब है। दे दे दादी, मैंने भी इंटरव्यू किया नहीं, तूने गाल पे पप्पी छाप दी। अच्छा साफ करके जा अभी। ठीक है साफ कर ली, जाइए, बाय बाय। अच्छा थोड़ा रह गया, अच्छा थोड़ा सा रह गया, ध्यान से दूसरी बार ना कर ले। और अपने हाथ वैक्स कर लीजिए आप। अरे नहीं यार क्या बात, बस सिर्फ एक बार और नहीं। बस ये वाला भी पोस्टी, ये वाला भी पोस्टी थी। बस मैं तुम्हारे बाप भाई के साथ कोई ऐसा करे अच्छा लगेगा? बस करो, तुम लोगों की लालच बढ़ती जा रही है। अरे ऐसा भी होता है क्या? अच्छा हुआ इमरान तुमने मुझे पप्पी दे दी, वरना लोगों का दादी पे से विश्वास उठ जाता। जाइए अभी जाइए, घर जाइए। यस कुछ नहीं जाओ। सॉरी मेरी दादी ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं परेशान नहीं किया। बुलाऊंगा अभी? नहीं नहीं फिर से मत बुलाना। अच्छा दादी से डर के मेरी को स्टार कहीं छिपी हुई है, उसको भी बुला लेना। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वेरी टैलेंटेड। बहुत स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? You are just wordless, disappointed है आप? Disappointed है। पता है क्या? Actually, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। Can you please repeat this line? मैं आपके लिए और भी कोई अच्छी अच्छी लाइन बोलना चाहती हूँ। सिर्फ लाइन बोलना चाहती हैं? हाँ। Okay, yeah, please, please. गुलिस्तान से गुल चुनने को दिल करता है, बना के ख्वाब तुम्हें चुनने को दिल करता। क्या बात है, वाह। देखने को तो और भी बहुत नजारे हैं जहां में। सिद्धू जी
मगर एक तुम ही हो कसम से जिसे सुनने को दिल करता है। ये क्या बात हुई, लोहा और जगह गर्म करते रहे, हथौड़ा कहीं और मार दिया। तो भाजी आजकल आप ज्यादा छा रहे हो आज लड़कियों में। मोहतरमा, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। भाजी इस हिसाब से इमरान भाई तो कब के भगवान बन चुके होंगे, इतना इन्होंने प्रेम किया है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है 200-250 किसीस में थोड़ी सी स्टोरी भी डालते हैं। हुमैमा, आप कॉमेडी नाइट्स में पहली बार आई हैं, आप पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप हमारी मेहमान हैं, तो मैं आपका खास तौर पे एक स्पेशल स्वागत करना चाहूंगा। ये मैं आमतौर पर हर किसी के साथ नहीं करता, तो आपके लिए पेश है स्पेशल स्वागत, दिस इज अ वाईफाई किस। इग्नोर करो इमरान भाई। नहीं नहीं, डायरेक्ट किस करने का हक सिर्फ मुझे है, वाईफाई किस आपका है। दूर रही आपकी बहन है। ए वाईफाई हम जैसे लोगों के लिए, ये तो वन टू वन हो जाते हैं। ये इनके लिए ये है ही नहीं। एनीवेज मैम, आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपको रोमांस करने के लिए किसी लड़के की जरूरत ही नहीं है, आप कैमरा के साथ रोमांस कर सकती है, क्या ये बात सच है? जनता जानना चाहती है प्लीज। एक्चुअली हाँ सच है, कैमरा के साथ ही आप रोमांस कर सकती हैं। ये मैंने कहा था इमरान हाशमी से मिलने से पहले, लेकिन अब मैं सिर्फ इमरान हाशमी के साथ रोमांस करना चाहती हूं। वेरी नाइस, क्योंकि मैं ये आपकी नॉलेज में लेके आना चाहता था बात की, भले ही आपने ये बयान दिया हो, लेकिन अब आपने जिस हीरो के साथ फिल्म साइन की है ना, इनको तो कूलर के ऊपर दुपट्टा डाल के दे दो ना। तो ऐसी कसम से भाजी, इमरान भाई के अंदर इन बिल्ड है ना वो चीज। आप सच्ची में कूलर के ऊपर दुपट्टा डाल के दे दो, 5 मिनट बाद कूलर भी गर्म गर्म हवा देने लगेगा। वैसे इमरान भाई, ये फिल्म में इन्होंने मतलब कैमरा के साथ ही रोमांस किया कि आपको सेवा का मौका दिया गया? नहीं, मेरे साथ ये जो सेवा कर रही है, मेरे साथ कर रही है, और बोनस मिल गया इनको, मैं हूँ फिल्म में। अच्छा, रोमांस और भी 10 गुना ज्यादा है इस फिल्म में, कैमरे से ज्यादा। कहने की बात है। इमरान, जैसे कि आपकी फिल्म का नाम है राजा नटवरलाल, हम बचपन से नटवरलाल के बारे में सुनते आ रहे हैं कि बहुत बड़े ठग थे ये वो, लेकिन आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि ये फिल्म जो है वो किस प्रकार की फिल्म है? एक ठगी है, एक 420 है, जो सड़कों पे छोटी मोटी 420 ही करता है, और पहली बार अपनी जिंदगी में एक हादसा होता है फिल्म में, जहाँ पे वो बदल के विलन से, एक बहुत बड़े विलन से पंगा लेता है। रिवेंज की कहानी है। Okay. तो प्यार से शुरुआत होती है और फिर रिवेंज पे आके कहानी एक दूसरा फेज है फिल्म का और इस कैरेक्टर का। तो इसेंशली एक रिवेंज कहानी है, और किस तरह वो बड़ी 420 सीखता है, और ये 420 वो परेश जी से सीखता है। Okay. उनके कैरेक्टर से, योगी से, तो इसकी कहानी। अरे वाह, एक बात मुझे इमरान भाई की बड़ी अच्छी लगती है, फिल्म के पहले हाफ में अपना जो भी करना होता है वो कर लेते हैं, उसके बाद ये बदला बदला लेते हैं, पहले मतलब सब नहीं। लेकिन इस फिल्म में हमने थोड़ी लिबर्टी ली है, दूसरे हाफ में भी वही कर रहे हैं, साथ साथ में बदला और हाँ थोड़ा बोनस हमने इसमें ऑडियंस दे दिया है। वेरी नाइस। तो मेमा, आप किस तरीके का किरदार निभा रही हैं इसमें, बताइए। मैं वो तो बदला ले रहे हैं, पपियां भी ले रहे हैं। अपना क्या चल रहा है फिल्म में? मैं इमरान हाशमी की हीरोइन का किरदार निभा रही हूँ जी, और गाने गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ। अच्छा, और किसिंग कर रही हूँ। किसिंग कर रही हूँ। हाउ मेनी टोटल? 3 टोटल। टोटल 3। देखिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन जो फिल्म मतलब में हम दिखा रहे हैं या जो हमने शूट किया है? मरान भाई, अक्सर रीटेक तो होते ही हैं फिल्मों में, तो एक्शन सीन के काफी रीटेक्स होते हैं, डायलॉग के होते हैं, कभी आपने किस में भी रीटेक किया है? देखिए जनरली मैं एक वन टेक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस किसिंग सीन में डेफिनेटली बहुत सारे रीटेक्स चाहता हूँ, और यही एक सीन है जहाँ पे थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, तो रिहर्सल्स करने पड़ते हैं। मैं जनरली रिहर्सल्स करता नहीं, लेकिन इस सीन में डेफिनेटली रिहर्सल्स करता हूँ। बेसिकली ये है कि जो भी रीटेक करते हैं, जो पहले टेक होता वो भी परफेक्ट है, लेकिन ये एक आत्मा की संतुष्टि।
अच्छा मैंने एक चीज और नोट की है सिद्धू भाई जी, अगर आपने भी नोट किया हो, जैसे भाग मिल्खा भाग बने या द लेजेंड ऑफ भगत सिंह बने, उन फिल्मों में इमरान भाई नजर नहीं आते हैं। जैसे नटवरलाल की बात आती है तो मेन लीड में इमरान हाशमी, तो इसका क्या अंदाजा लगाया जाए कि इंडस्ट्री में आपकी इमेज जो बैड बॉय की है? मेरी अभी रेपुटेशन, अभी मैं इसको सैल्वेज कर नहीं सकता हूँ, बहुत बुरी रेपुटेशन मेरी ऑन स्क्रीन, तो इसलिए जो कमीने जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब मुझे ही मिलते हैं। तो मुझे कोई उस किस, वो भाग मिल्खा भाग का कैरेक्टर मुझे कभी मिलेगा नहीं, मुझे किस इमरान किस का कैरेक्टर मिलेगा। सही बात है, इमरान भाई की फिल्म ऐसी नहीं, लगा रहा है इमरान, लगा रहा है ऐसा बोलते हैं। और कभी लड़की को करते हुए लड़की के पापा आ गए, भाग इमरान भाग, भाग के आएंगे फिर क्या बात है, होने चाहिए सर हमारी इंडस्ट्री में। हमें इमरान भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें कितना प्राउड फील होता है कि कोई हमारी इंडस्ट्री में ऐसा बंदा जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकता है। तो इमरान और हुमैमा के साथ हम ढेर सारी और भी बातें करेंगे, जोरदार ताली इनके लिए, आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। इमरान भाई, मैंने एक बात नोटिस की है, आपकी फिल्मों में हीरोइन जो होती हैं बहुत कम रिपीट होती हैं। जैसे होता है ना, बड़े सारे हीरो की एक केमिस्ट्री बन गई तो उनके साथ, ये तो खैर दिलवाले हर के साथ बना ही लेते हैं केमिस्ट्री। आपकी हीरोइन जो है रिपीट नहीं होती, तो क्या कारण है? आपका ही मन भर जाता है कि लड़की के मां बाप मना कर देते हैं? सर मैं हीरोइंस का जो हरकतें करता हूँ ऑन स्क्रीन, आई थिंक एक फिल्म ही काफ़ी है उनके साथ, उसके बाद दूसरी फिल्म करती नहीं है वो, तो एक फिल्म ही काफ़ी है जो इनके साथ मैंने हरकतें की हैं ऑन स्क्रीन, इसके बाद एक काम नहीं करेंगी मैं। अच्छा मैम एक बात बताइए, जब आपको पता चला, जब आपको ये फिल्म ऑफर किया गया, तो आपको पता था कि आपके हीरो जो हैं इमरान हाशमी होंगे, पहला ख्याल मन में क्या था? ख्याल जो भी था बहुत बुरा ख्याल था। एक आवाज आई। यार एक कुड़ी बम है भाई। शर्मा जी अरे आइए, इमरान हुमैमा ये मेरी थोड़ी सी वाइफ है मंजू। थोड़ी सी वाइफ है जी। कैसी हैं? बहुत अच्छी। हाय इमरान। मैं आपने इन्होंने कह दिया कि आपकी बीवी है तो मैं आपको किसके करूंगा। इनके पास टाइम होता नहीं, आज तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपको हेलो हाय करने आई है। आप प्लीज खड़े रहिए ना। मैं किस काम में बिजी हूं? मेरी कमियां निकालने में बिजी हो और कहां बिजी हो। अरे लेकिन पाजी ये तो हर वाइफ का तरीका होता है अपना प्यार जताने का। प्यार जताने के तरीके बड़े इसके अजीब जी में। एक दिन तो सुई धागा लेके ना मेरी चप्पल में मोती लगा रही थी। क्या? मैंने कहा ये क्या करूं, कहती गले में पहनूंगी लोगों को लगेगा हमारा बड़ा प्यार है आपस में। तो तरीका, हर तरीका अच्छा नहीं होता है। वैसे शर्मा जी पुरानी चीजें रिसाइकिल करने का जमाना है आजकल, तो अपने फादर साहब को रिसाइकिल करिए पहले। उनका एक लैंप बना लीजिए, कोने में पड़े रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। उधर घूमता रहता मेरे को जहर लगता है उधर। आपको फिर से पापा की याद आ रही है ना? याद तो आएगी मेरे को बाजी, हरते ऐसी करते हैं। हाँ। आप तो फिल्म में नटवरलाल का रोल कर रहे हो, ये रियल जिंदगी में नटवरलाल है? कौन? इनके पिताजी। अच्छा। फादर साहब कभी कभी तो ऐसी हरकत करते हैं, नटवर सिर्फ लाल नहीं काला पीला भी हो के आता बाहर से। आप यकीन नहीं करेंगे कैसी कैसी हरकते करते हैं, खुद का डेथ सर्टिफिकेट बनवा के ना साड़ी पहन के चले जाता, कहता मेरे पति की पेंशन दे दो। ये हरकते करते हैं इनके पिताजी। मेरे पापा को रिटायरमेंट के बाद वाली पेंशन खुद मिलती है। लो जी, साइकिल का पंक्चर लगाने वाले को कौन सी पेंशन मिलती है अभी? वैसे इमरान मैमा इनकी बातों पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनकी आदत है ये सब फिजूल की बातें करने। बेटा पापा आ गया, चप्पल पा गए। ये जो बैठे इनके साथ हमें थोड़ा घुलवाओ मिलवाओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाओ, हमारी थोड़ी सी इनसे फ्रैंक करवाओ इनके साथ हमें थोड़ा। ये हाल में मिलोगे इन मेहमानों से? अरे इमरान हाशमी है, ये ऊंच नीच में फर्क नहीं करते बिल्कुल भी, ये ऊंच नीच नहीं देखते, बड़े अच्छे आदमी है। अगर ऊंच नीच का ही फर्क देखते तो तुम्हारे घर पे आते क्या? नहीं तुम जैसे कंगालों के घर पे कौन आता है? ये बेटा बहुत बढ़िया आदमी है, ये आपके लिए समोसे की चटनी है, ये आपके लिए समोसे।
समोसों के पैसे लगते, चटनी फ्री में तो ले आया। ये हरकतें देखिए आपकी। मैं सीख रहा हूँ इनसे। ये तो इतनी कमीनी हरकत करते हैं। एक बार कबाड़ी को पता क्या कहते, कहते हमारे खेतों में से लोहा उठा लो, मार्केट से 2 रुपए सस्ता। कहता खेत कहाँ, कहता दिल्ली से जयपुर। सारी पटरियां बेच दी उन्होंने। और तो बिक गई, अब क्या करें। लेकिन पापा, रेल की पटरी आपकी कैसी हो गई? मुझे कभी कभी लगता है तो किसी पागल की बच्ची है। अरे मैंने अभी कभी रेलवे स्टेशन पे जाते तो वहां लिखा नहीं होता रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति। पापा जी आप ज्यादा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से, मुझे मेहमानों का इंटरव्यू करना है। एक मिनट बात करने दो बेटा, पहले थोड़ा गुलमिल गुलमिल। इंसान देखो इमरान, मेरा कितना भी बड़ा हो जाए उसको सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए, सीखना जरूर चाहिए। मैं तुम्हें आज एक दो कर्तव्य सिखाता हूँ। 500 का नोट है तुम्हारे पास? नहीं, सीखो बेटा, मौका फिर आए ना आए। जब वापस तो मिलेगा ना? अरे बेटा एक ही नोट रखा हुआ है इमरान। एक ही पूछा था आपने, 500 पूछा। हाँ ठीक है, ये 500 का नोट है। हाँ अब देखो इधर, एक मिनट। बेटा एक काम करो, तुमने हाई हील वाली सैंडल पहनी ना बेटा, है ना? तो बेटा तुम चलो, बाद में अगर जादू इधर उधर हो गया थोड़ा तो भागना मुश्किल हो जाएगा साड़ी में। लेकिन पापा कर। बेटा मान लो मेरे पापा परवर नहीं है। हाँ अब देखिए, ये है 500 का नोट, कोई ठगी नहीं, कोई सीना चोरी नहीं। अब ठीक है, इसके अंदर अब मैं क्रिकेट खेल रहा है क्या? ये 500 का नोट मेरी जेब से गायब हो गया। अभी बाकी है। चोर, अपनी पॉकेट देखो, उसके अंदर 500 का नोट आ गया होगा। मेरे पास अपने हैं, मेरे को पता है। अरे वही है, मैं दिखा रहा हूँ, बताओ। मेरे पास 500 का दिखाओ। ये देखो, ये निकाला मैंने इनकी जेब से 500 का नोट। ये आपका 500 का नोट मैंने इनकी जेब से निकाल दिया, है ना? ये मैं जेब में डाल। अरे अगर ये मेरा, तो अगर मेरा नहीं उनका है तो उनको दो ना फिर आप। ये तो कर्तव्य दिखाने की फीस है ना बेटा। मैंने कहा था ना भाई, ये बहुत बड़े कमीने, इनको मुंह मत लगाना आप। 500 रुपए निकाल के दे दिया आपने पटक से। इमरान हुमैमा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके फैंस हैं। आप एक एक करके इमरान और हुमैमा से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम, मेरा क्वेश्चन इमरान जी से है जी। अभी आपकी जो मूवी आ रही है राजा नटवरलाल, उसमें आपने कौन का प्ले किया है जी? तो अभी रियल लाइफ में जो होता है, हस्बैंड्स लोग कुछ ना कुछ कौन करते ही हैं वाइफ के साथ में जी। और आप भी एक हस्बैंड हैं जी, तो आप भी कुछ ना कुछ तो अपनी वाइफ के साथ करते ही होंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपाते होंगे कोई भी बात। कुछ ना कुछ कौन तो करता रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे आप ये बताइए कि जो पतिदेव हम लोग के से करते हैं कौन, उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, उसको कैसे हम लोग पकड़े उसको? एक बार हिंदी में बता दीजिए कौन होता क्या है, ताकि बाकी जो स्त्रियां बैठी खाने वाला कौन नहीं, मैं समझ गया। 400 बीसी चापलूसी, धोखा, कुछ भी जो करते हैं। हाँ ध्यान से सुन लीजिए, आपकी महिला बहन उठी आपके हक के लिए जी। तो प्लीज मुझे बताइए हम कैसे उनको पकड़े। आपको लगता है इमरान भाई कुछ ऐसे छुपा के करते होंगे अपनी वाइफ से? वो तो शरेआम स्क्रीन पे करते हैं उनको। नहीं, मैं एक्चुअली छुपाता हूं। अच्छा? मैं कन्फेस करता हूं कि मैं छुपाता हूं, क्योंकि मैंने एक्चुअली पहली फिल्म में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अपने वाइफ को मैंने कह दिया था मर्डर फिल्म में कि मेरी 10 सीन्स थी किसिंग की सीन्स। तो 3 महीने लगातार शूटिंग जब हो रही थी मर्डर फिल्म की, तो रोज हम लड़ते थे और झगड़ते थे। और फिर ऑब्वियसली मैंने एक और बहुत बड़ी गलती की, जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तो मैं उनके पास बैठ गया मर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग में। तो जैसे ही किसी होती होगी तो टच नहीं था। जब फिल्म शुरू हुई तो पहले उनके जो नाखून है मेरे हाथ में चले गए, तो मैं भाग भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद दूसरे सीन में थप्पड़ पड़ा, फिर घुसा पड़ा, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया हॉल में, क्योंकि वो मल्लिका पे ध्यान दे रहे थे स्क्रीन पर और बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज्यादा ही चल रहा था।
तो अभी मैंने एक्चुअली एक कॉन जॉब शुरू किया है कि मैं एक्चुअली अपने वाइफ से कहता नहीं हूँ, कहने की जरूरत पड़ती नहीं, और बाय डिफॉल्ट को पता है कि मैं ऑन स्क्रीन टेस्ट कर रहा हूँ, पता है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ उनसे, और जब वो फिल्म देखती हैं तो मैं नहीं दिखता हूँ, मैं फ्लाइट लेके किसी और शहर में होता हूँ। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त हुमैमा से, इमरान से बात करना चाहते हैं? जी प्लीज। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान से हूँ। अरे वाह। और आपके शो की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, चराग को रोशनी दिखाने वाली बात है आपके शो की तारीफ करना। आप तो करेंगे, आपके पति जो हैं शो में। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे शो में जो अक्सर ही आते रहते हैं, हमें तंग करते रहते हैं, जिनको पैसे की कमी नहीं है, उन्हीं की वाइफ है। और ये खास तौर पे पाकिस्तान से यहाँ पे आई हैं हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने खलूस प्यार और इज्जत से हमें नवाजा है, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। आपके पति डिजर्व करते हैं वो प्यार, वो इतने मतलब जबरदस्त कलाकार हैं कि हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे शो से एसोसिएट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल उमायमा से है। जी। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि उमायमा भी पाकिस्तान से हैं, इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं और फिल्म भी की है बोल, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी यहाँ के सीरियल की झलक ये दिखाएं, जो यहाँ की बहुएं या जैसे यहाँ पे सीरियल होते हैं, थोड़ी सी झलक दिखाएं, जैसे मान लें कि आप यहाँ की चलाक बहू हैं और मैं एक मासूम सीधी सादी सास। अच्छा, वहां पे भी ऐसे सीरियल्स होते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे हमारे इधर चलते हैं, कहाँ जा रही है, ऐसा होता है ट्रॉली शॉट? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते। आप स्टेज पे आ जाइए प्लीज। बहू कैसी है? ओके, अब पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके दो पाकिस्तानी कलाकारों का टैलेंट देखिए। जी प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या सिचुएशन ये है। आप सास हैं, बहू जो है ये थोड़ी वो हो गई है, क्लब व्लब जाने की शौकीन, घर में लेट आ रही है, बेटा घर पे बैठा चाय की वेट कर रहा है, और सास को गुस्सा आ रहा है कि बहू कहाँ है, और बहू आ रही है अपने ऐसे ही बाहर दोस्त छोड़ के गया मोटरसाइकिल, मैं छोड़ के आया हूँ आपको, मैं घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, बाय 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 सासू। मम्मी देखो देखो कोमलिका, निका ये क्या है? यही था ना उसका। मम्मी देखो, गौतम बेचारा सुबह से उठा हुआ है और तुम्हें इतनी भी होश नहीं है कि अपने पति को घर छोड़कर, अपने छोटे से बेटे को घर छोड़कर आवारा घूमती फिर रही हो। मम्मी इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही हो? मैं कपल के साथ थी। तुम्हारा बेटा भी है, यू चीटेड मी। अरे तुम तो बाइक पे चले गए थे ना। यू टोल्ड मी यू हैव ओनली वन हस्बैंड, आई सेड ओके, नाउ व्हाट इज दिस बेटा? इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और आप प्लीज आती रहा करें। कपिल मेरी बेटी आपकी बड़ी फैन है, वो आपके साथ डांस करना चाहेगी। प्लीज वेयर इज शी? नूर फातिमा। ये बहुत क्यूट है। हाउ आर यू फातिमा? आज आ मेरा ऑरेंज स्लाइस इधर आ, ये देखो कितना क्यूट बच्चा है। क्या करना है आपने? डांस। डांस करेंगे? किसके साथ? कपिल अंकल के साथ। कौन से गाने पे करेंगे बेटा? थोड़े थोड़े से गाने। थोड़े थोड़े से गाने? हाँ। छोटे छोटे से? छोटे छोटे से। कौन सा गाना? चलिए मैं गुनगुनाती हूँ, आप इनके साथ करें। हम गाना बजाएंगे बेटा, हमारा बजट अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा पहले सिद्धू अंकल को हाय बोलो। हेलो। हाय बोलो क्या? हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो अंकल, अब टुल्लू करके बताओ उनको। चलो अभी हमें डांस करते हैं, ठीक है? बेबी डॉल पे डांस करना है, बेबी डॉल पे। ओके बेबी डॉल जरा।
प्यारे हो, बहुत क्यूट हो आप. थैंक यू सो मच. आप आते रहा करो. थैंक यू सो मच. कमाल का जी. और कोई हमारे दोस्त जो इमरान से हमें से बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब. हाय. हेलो कपिल जी. हेलो सर. मेरा सवाल इमरान जी से है जी. उन्होंने दिल तो बच्चा है फिल्म में अजय देवगन को रोमांस करना सिखाया था जी. आज हम बच्चे तो रहे नहीं. आप तो फिर भी जाते सावन की बाहर हैं आप. हम चाहते हैं कि आप हमें भी रोमांस करना सिखाइए. वैसे तो मैं मेरी बीवी के साथ में आया हूँ. अच्छा जी. और उसे कोई इतराज नहीं होएगा अगर यहाँ बैठी हुई कोई भी हसीना. अच्छा. मेरे साथ में एक सेकंड सर. डांस अच्छा. करने के लिए तैयार है. आपके साथ डांस करने को खुद की वाइफ क्यों नहीं? वो देखो तैयार हो गए. वो हो गए तैयार हसीना. हमारे भाई पीछे 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 घूमो पीछे. सर जलवा कहाँ है मैं आपका? ये करेंगी डांस आपके साथ? वो आपकी बीवी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं. डर क्यों गए? नहीं नहीं डर इससे रहा. हमारी बीवी डांस सिखाती है, करती नहीं हमारे साथ में. अच्छा वो आप उनके साथ डांस करना चाहेंगे? या किसी और की बीवी के साथ? धन्य है हे मर्द जाति तुझे कोटि कोटि प्रणाम. आइए आइए मैम आप भी आ जाइए प्लीज. क्या हाल है सर? बहुत मजे में सर. आपका शो बहुत देखता हूँ मैं. और आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके सामने आज खड़ा हूँ. आइए सर. आइए मैम. नमस्कार जी. कैसे हैं आप? तो आपको इमरान. नमस्कार जी. कैसे हैं आप? थैंक यू मैम. लव यू टू मैम. थैंक यू सो मच. तो म्यूजिक लगाओ भाई. जी म्यूजिक आएगा. आप कौन सा गाना कौन से गाने पे करना चाहेंगे बताइए. तो मैं एक चीज करता हूँ, मैं हुमायूं के साथ इस तरफ करता हूँ. हाँ आप कॉपी करिएगा और आप मुझे कॉपी कीजिए और मैं साइड पे बैठ के जलूंगा. हाँ जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा जी. आई लव यू. अच्छा मैं अकेला ही भाई. अब हम दोनों पर आ करते हैं. Is there any girl who wants to dance with me? Yes. Yes. You can take her. You can take her. अच्छा सर. You can also get a partner. Yeah, you can take her. आइए आइए आइए. मैं सूत्रधार हूँ. मैं सूत्रधार हूँ. मैं नहीं नहीं. कम 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 कम. आज जन्माष्टमी आज. अरे मैं मजाक कर रहा था. मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था. तुम सच में आ गई. आ जाओ. Please please come. लेडी संगीत हो रहा, कोई किसी के साथ भी नाच रहा है. अपने अपने पार्टनर के साथ अपनी चीज कर रहे थे. अपने फॉलो ही नहीं किया मुझे. मैं आपको दिखा रहा. हम चाहते थे कि
कि मैं आपको फॉलो करूं? वो यार मैं आपसे सीनियर हूं एज में। अच्छा करेक्ट है, मैं तो आपसे बहुत सीख लिया मैंने। सर ये ना आप ना आपने भोले बनने की एक्टिंग की, अंदर से आप बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं आप। सर मेरे को लगता है कि 3 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा मेरे को, मेरी बीवी यहाँ बैठी है। पर आप बड़ा बड़े ही क्यूट लग रहे थे जब आप डांस कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपका भी थैंक यू सो मच मैम जी। और कोई हमारे दोस्त जो इमरान से बात करना चाहते हैं? नमस्ते सिद्धू सर, नमस्ते कपिल सर, नमस्ते मैम, आई लव यू इमरान हाशमी। ही लव्स यू टू, बिकॉज़ यू बोथ आर सेम। सर मेरा नाम सचिन ठाकरे, मैं रहता नासिक में हूँ सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक सेकंड, जो जिन प्रोड्यूसर्स के पास बजट नहीं है इमरान हाशमी को साइन करना चाहते हैं वो इनको साइन कर सकते हैं। नासिक जाके जिनको मर्डर 4 या 3 बनानी है इनके साथ जी। वैसे तो मैं नासिक में इमरान हाशमी के नाम से ही वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन मैं फेमस है नासिक लेकिन मैं आज आपके शो में आके दुनिया में वर्ल्ड फेमस हुआ हूँ सर। पर नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आप नासिक में वर्ल्ड फेमस हैं जी। तो आपका सवाल क्या था? तो मेरा सवाल इमरान सर से जी। सर मैंने सुना है राजा नटवर लाल में आपने फुल टू टपोर स्टाइल का डांस किया है जी। तो यहाँ पर जितने भी मेरे भाई लोग हैं यानी जिन्होंने सवाल किया है, मैं उनके साथ आपके उनके साथ और मैं आपके साथ सॉरी बहुत बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आपको मेरे साथ डांस करना है, करने का है सर, तो आइए। अरे वाह, दो दो इमरान हाशमी स्टेज पर, आइए आइए आइए। ये डांस करना है कि रैली निकालनी है आपको? Thank you to all of you. Thanks, thanks, brother. Lovely, yeah, lovely. Thank you. अरे यार मैं बातों बातों में कुछ पूछना ही भूल गया। इमरान भाई आप कुछ लेंगे खाने पीने के लिए? राजू, राजू। जी सर जी। ओ भारती। रामू तू? जी मैं। राजू किधर गया? और तेरे पास तो पैसों की कमी नहीं थी, तू इधर क्या कर रहा है? आपको पता है कि जब पैसे वाला कोई आदमी होता है ना उसकी सोच जो खराब हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है। मैंने पैसा बैंक में जमा करवाया, अब बैंक भूल गया हूं। और वैसे भी आज मेरे भाई राजू की तबीयत ठीक थी, वो जरा छुट्टी पे गया है। तेरा दिमाग खराब है? तबीयत खराब होती तो लोग छुट्टी पे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो और घर होते हैं। इस घर में तबीयत ठीक हो तो आदमी छुट्टी पे जाता है। सिद्धू भाई जब तबीयत खराब हो ना तो बंदे का कुछ खाने को मन नहीं करता, ना खाने को मन करता, ना पीने को मन करता। जब तबीयत ठीक हो फिर खाने पीने को मन करता है, इसलिए आदमी बाहर जाता है। तो इस घर में क्या खाने को मिलेगा? मैंने आज ज्वाइन किया है, मुझे आज पता चला कि वही हालात, डब्बों के अंदर वही जाले लगे हुए। मैंने शुगर वाला डब्बा उठा के देखा, चीनी नजर नहीं आई, साथ वालों का घर नजर आ गया मुझे। एक चूहा बेहोश पड़ा हुआ, मैंने कहा उठ क्यों नहीं रहा, कहता कुछ खाऊंगा तो यहां से भागूंगा।
इतनी गुर्बत, अल्लाह माफ करे, मैंने चूल्हा जलाया, अंदर से पर्ची बाहर आई है, किधर है? यहाँ कौन सी ट्राई मार रहा है तू, यहाँ से क्या निकलेगा? तू तो जैसे बड़ा पैसे वाला हो गया ना, दुबई में पकोड़े तल तल के तरह मुंह समोसे जैसा हो गया अपना, पर्ची बाहर आई, फलाना पत्ते समोसे जैसा हो गया मुंह, हैं समोसे के अंदर आलू तो होता है ना? बकरी बेचारी देख लो जरा, वो भी किचन की तरफ देखती रहती है, यहाँ कभी कुछ पकेगा कि नहीं पकेगा? मैंने इसका दूध निकालने लगा तो उसने मेरे कान में कहा ट्राई लेटर। मैंने कहा ट्राई लेटर का क्या मतलब? कहती गेस्ट बैठे हैं, मैंने ट्राई लेटर का, वरना गंदी गाली देती तुझे। रामू तू हमारी बेइज्जती कर रहा है, इस घर का नमक खाया तूने? नमक खाया ना, नमक ही खाया, चीनी हो तो खाऊं ना। सत्ता कैसे हैं भैया? अरे भाई जान कैसे हैं आप? ठीक है। आप पाकिस्तान से? किसी उस बंदे के पीछे तो नहीं आई जो कहता है कि पैसे की कमी नहीं है? रामू तू नौकरा है इधर, फालतू बड़े लोगों के मुंह मत लग। नहीं मैं कब मुंह लग रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मुंह लगूंगा? क्यों हमारी बेइज्जती करा रहा है यहाँ पे आके? मुझे राजू क्या कर गया था कि आज इस घर में तू काम करना मेरी जगह पे, और मेहमानों के साथ थोड़ा फ्रैंक भी हो जाना, खैर है। अच्छा मतलब तू इनके साथ बैठ के चाय कॉफी पिएगा? इनके साथ वो नहीं पिएंगे, मैं कहाँ से पीऊंगा? इमरान भाई आप इस फिल्म में क्या रोल कर रहे हैं? मैं एक ठगी का रोल प्ले कर रहा हूँ। ठगी का रोल कर रहे हैं? 420 का रोल। वाह वाह वाह, ये तो इसी घर की कहानी है फिर। क्यों? घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, मुझे कहता चलो अपने जो हमसाया ना उनके घर जाके चोरी करके आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दीवार पे चढ़ के जंप किया, अंदर गया, उनकी औरत उठ गई, कहती कौन? वो कहती अच्छा बिल्ली है। फिर उन्होंने जंप किया, वो कहती कौन? कहता दूसरी बिल्ली। ये सारी अपनी फैमिली की बातें मेरे पे डाल रहा है। अपने भाई का बता क्या हुआ था, इसके भाई को शेर खा गया पता? हाँ मैंने पूछा शेर से, मैंने कहा इसके भाई को क्यों खाया? कहता बेवकूफ आदमी, मैंने जीना आराम करके रखा था, रोज आके बोलता था ओह इतनी बड़ी बिल्ली। बेइज्जती तो तुम कराते हो हमारी। तो आप जैसी ठगी कौन कर सकता है? चार कुत्ते लेकर उनको मेहंदी लगा के शेर बना के बेच दिया। वो आदमी लेकर जा रहा था, अचानक साइकिल वाला करीब से गुजरा तो शेर भौंकने लग गया। भाभी खुद तो बच्चों को लेके उधर बैठी, उनको खुला छोड़ दिया इधर। मेहमानों को चाय पानी सेवा करनी की नहीं? मैं चाय लेकर आऊं, जाऊं और चाय लेकर आऊं। हाँ ये वो जगह है जहां सिर्फ आदमी जाता है, आता कुछ नहीं। अरे फुटबॉल लगता किसी की कार खुली रह गई। पलक क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे पहचान लिया? ये मुंह पे कपड़ा बांध के क्यों जा रही है तू? अरे शर्मा जी मैं आपको क्या बताऊं, ओफो चोटी खोल ली तूने गलती से अपनी। ओ मुंह पे कपड़ा बांध के क्यों जा रही है? शर्मा जी आपको क्या बताऊं, आजकल ना क्या आजकल खूबसूरत लड़कियों का घर से निकलना एकदम नामुमकिन हो गया है। कौन सी लड़कियां? इतने सारे लड़के छेड़ते ना छेड़ते रहते हैं छेड़ते रहते हैं, और आजकल हर जवान लड़का अपने आप को इमरान हाशमी समझता है। अरे तो खूबसूरत लड़कियों को छेड़ते तो छेड़ते, तुम्हें क्या? अच्छा तुम अपनी बात कर रही हो? धीरे बोलो सुन लेंगे। हाँ तो लड़के सुन लेंगे तो सुन ले, मैं क्या डरती हूँ क्या लड़कों से? लड़के नहीं इमरान हाशमी सुन लेंगे। हाँ इमरान हाशमी कहाँ से सुन लेंगे, ये तो आप ऐसे कह रहे जैसे आपके घर में ही आके। स्वयं साक्षात इमरान हाशमी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाय हाय हुमायमा, आई एम पलक। आप हुमायमा ही है ना? पलक हुमायमा, हुमायमा इमरान, इमरान कपिल, कपिल पलक।
मैं तब से आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि क्या बताऊँ मैं आपको। अभी तो बोले थे लड़के परेशान करते तेरे को इमरान हाशमी बन के। हाँ तो वो बन के परेशान करते हैं ना, अगर इमरान हाशमी खुद मुझे परेशान करे तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं मुझे। अगर छेड़े छेड़ना चाहे मैं। ये गलती सारी इसकी है भाई, गलती सारी तेरी है, तू मुंह पे कपड़ा बांध के जाती है। अब लड़कों को क्या पता कि जिसको वो मटका कुल्फी समझ के पीछे जा रहे उसके अंदर लड़की छिपी हुई है। शर्मा जी, टॉक टू माय हैंड प्लीज। अच्छा मैं ना इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ ये लड़कों से कि मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली आप ये बात समझेंगे ही नहीं, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की की बात एक खूबसूरत लड़की ही समझ सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हुमायमा आप मेरे बात से अग्री करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये लड़के वड़के छेड़ना आपके पीछे भी आते होंगे ना लड़के बहुत सारे। पलक तू अपने आप को हुमायमा से कंपेयर कर रही है? मैं यहाँ पर इतना अपना कीमती वक्त जाया करके इमरान हाशमी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कीमती वक्त तुम्हारा कहाँ, तुम्हारा तो सोना भी कीमती नहीं होता। इसकी माँ सोने का हार पहनती ना, साथ में ज्वेलर की पर्ची डाल लेती बिल वाली, कि लोगों को पता लगे हमने खरीद के लिया और महंगा आया। चल तक अपना काम कर जाके। पलक तेरा हो गया तो निकल जा, मेरा इंटरव्यू बाकी है अभी। आप क्यों मुझे पसंद नहीं करते? ठीक है, एक मिनट, एक बात खाली क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैं खाली ये जानना चाहती हूँ आपसे इमरान हाशमी जी, कि आपने अपनी फिल्म में एक जो गाना है, जो गाना मेरे ऊपर लिखा गया है, लेकिन वो आपने अपनी फिल्म में डाल लिया, ऐसे ही क्यों? कौन सा कौन सा गाना है? तेरा कौन सा गाना नुसरत फतेह अली खान साहब की ढोलक? तेरा कौन सा गाना था? आपकी फिल्म में वो गाना नहीं है, तेरी राह देखे मेरे होट नमक पारे। हाँ, अब किसके होट नमक पारे हैं? इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सॉल्टी चिप्स कौन खाता है? मैं खाती हूँ। अब जब खाते हैं तो वो सॉल्ट थोड़ा थोड़ा होट पे रह जाते हैं। तो सबसे ज्यादा नमक वाले होट किसके हुए? कम ऑन गैस इनके। नहीं 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 नहीं, आप उस गाने में काफी अच्छा सा डांस कर रही हैं। तो इफ यू डोंट माइंड, इफ ऑल ऑफ यू ऑल डोंट माइंड, अगर मैं आपको कोई खास तकलीफ ना दे रही हूं तो क्या मैं वो डांस थोड़ा सा आपसे सीख सकती हूं प्लीज? हां हां क्यों नहीं, हां हां आइए 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 प्लीज। कल कपिल भी हमारे साथ करेंगे, आइए। इमरान भी क्या? पलक अभी तेरे जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे भी जाने का टाइम हो गया। एक बार जोरदार तालियां इमरान हाशमी और हुमायूं मलिक के लिए। इमरान भाई, मैं जाने से पहले चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी फिल्म रिलीज कब हो रही है। वेल, फिल्म रिलीज हो रही है 29 अगस्त को, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है कुणाल ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। परेश जी भी हैं, वो यहाँ नहीं आ सके आज, लेकिन परेश जी हैं, के मैंने ने एक बहुत अच्छा स्टार कास्ट है फिल्म का, और बहुत सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत एंजॉयमेंट आएगी। सो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। इमरान भाई थैंक यू सो मच, आप कॉमेडी नाइट्स में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू हुमायमा, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू हुमायमा, गुड लक फॉर योर मूवी। और आप लोग भी ऐसे ही अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.